है दोस्तों, तो अभी मेरे पास है Realme 1। मैं बहुत ही खुश हूँ आज, मतलब कि इसको खरीद के तो दुखी हूँ, लेकिन इसमें आ चुका है मेरे पास ColorOS 5.2 का अपडेट। तो बस दोस्तों, आज हम वही देखेंगे कि क्या इसमें नई चीज आई है और क्या हमको देखने को मिलता है। साथ में उन लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता है कि मेरे पास कैसे आया ColorOS 5.2 का बीटा अपडेट। तुमको मैं बताना चाहता हूँ, Realme ने एक फॉर्म निकाला था, मैंने उस फॉर्म को भरा और लोगों ने भी भरा, तो उन मतलब कि उसी फॉर्म में से उन्होंने सिर्फ 500 लोगों को चुना है और उन्हीं 500 लोगों में से 500 लोग मैं हूँ, मतलब कि 500 लोगों में से एक बंदा मैं हूँ। तो जिनको भी यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे बदनसीब बंदे को ऐसी मतलब कि ऐसा सीन कैसे होगा मेरे साथ, उनको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सेटिंग्स के अंदर, तो ये देखो टू। तो सबसे फनी बात ये है कि यार ये अपडेट जो है ना 2.13 GB का है, तो पहले हमको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ। तो डाउनलोड पे मैंने लगा दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो नेट की स्पीड तो बहुत ही कम है, तो चलिए इसको वेट कर लेते हैं डाउनलोड होने तक का। तो अपडेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है और देख सकते हो 1 बज गया हुआ है रात का। तो चलिए इसको इंस्टॉल पर लगाते हैं और ये वेरीफाई हो रहा है इस वक्त। मेरी मम्मी पास में सो रहे हैं, ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता, नहीं तो गालियाँ जरूर पड़ेगी मेरे को। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये होने लपड़ा है इंस्टॉल, मतलब कि अपडेट होने लपड़ा है इंस्टॉल। ये मैं दोहरी को बोल गया, लगता बुखला गया हूँ, कम ही बोलता हूँ नहीं तो मार पड़ेगी मम्मी से। वैसे बहुत ही कम टाइम शो कर रहा है, आगे तो बहुत ही मतलब पिछली बार अपडेट आया था तो 5 मिनट लगाए थे, यहाँ पर 2 मिनट ही शो कर रहा है ये। चलिए देखते हैं। और दोस्तों ये हमारा अपडेट इंस्टॉल हो चुका है और कुछ ऐसा ही रियलमी अब लिखा आ रहा है येलो कलर में। मेरे ख्याल ये ऑरेंज है और मेरे ख्याल ये येलो है। और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड लगा देता हूँ, लगानी लग जा लग चुका है। यहाँ पे कह रहा है इंटरनल अच्छा लो कर रहा है, चलिए बाद में करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन तो वही है। ओ वाह, यहाँ पे हमको ये अभी के लिए स्मार्ट पता नहीं किसको क्या कहते हैं, टास्क बार कुछ ऐसा कहते हैं, तो ये चीज़ मिली है। यहाँ से हम ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वाह अच्छा है यार, मतलब कि मस्त चीज़ है। ये भी बगी है, ये देखो एक मिनट ये अटक के चल रहा है, तो ये चीज़ आगे क्या पता ठीक हो जाए। और बाकी तो यार मतलब बड़ी सी चीज़ है यार, यहाँ से फाइल मैनेजर खुल जाता है। अच्छा फाइल कंसोल को देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये शो कर देता है फोटोज को रिसेंट वाली, पर ये बगी है लैगी है, मतलब कि आने वाले टाइम में सही हो जाएगा। और बाकी देखा जाए तो मैसेजिंग ऐप पहले हम देखते हैं क्या, स्मार्ट स्कैन रीड फोन ओके, फिर ओके। अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, मैं कह रहा हूँ जो QR कोड होता है शायद उसको, और बाकी गेम स्पेस आ गया जो कि मेरे को चाहिए था। तो जिनको नहीं पता गेम स्पेस क्या है, ये गेम्स को अच्छी तरह से और मतलब कि यूटिलाइज या फिर अच्छी तरह से उसको खेलने के लिए है चीज, इसको हम देखते हैं एक मिनट दबा के। हाँ गेम स्पेस एंटर गेम स्पेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले क्या था कि बहुत ही कम मतलब कि बहुत ही कम गेम्स सपोर्ट करता था एक गेम स्पेस अगर 5.0 की बात करें, लेकिन अब हम कोई भी गेम डाल सकते हैं इसमें, कोई भी गेम मतलब कि Fortnite पहले नहीं सपोर्ट करती थी, अब इसकी वजह से करेगी और हम शायद से अच्छी तरह से खेल पाएंगे, जो लैग नहीं होता उसको हम ठीक कर पाएंगे। और यहाँ पर है बैलेंस ब्लॉक बैनर नोटिफिकेशन और ब्राइटनेस लॉक, ये मतलब कि एक हो जाएगा बैलेंस गेम अच्छी तरीके से चलने के लिए, दूसरा नोटिफिकेशन ही आएगी, तीसरा ब्राइटनेस का लॉक जो आपने पहले लगाई होगी ब्राइटनेस वही की वही रहेगी, मतलब चेंज ही होगी ब्राइटनेस की। सेटिंग्स खोलते हैं, तो सेटिंग्स में ये आ गया साइन इनटू योर ओप्पो आईडी, और यहाँ पे फीचर तो वही लग रहे हैं, कुछ नया तो लग नहीं रहा अभी के लिए। यहाँ पे क्लोन ऐप्स दिखते हैं, अब ज़्यादा क्लोन कर सकते हैं मेरे ख्याल से नहीं, इससे ज़्यादा होता नहीं है 3 से ज़्यादा। और गेम स्पेस ऐप्स क्लियर, मतलब ये हो गया सिस्टम ऐप्स यहाँ पे आ चुका हुआ है, पहले यहाँ पे शो करता था। और कोई चीज़ नोटिफिकेशन स्टेटस बार,
तो यार ये ऐसी चीज़ें हैं। और दोस्तों बाकी तो मेरे को सेम लग रहा है, सबसे मतलब कि सही चीज़ जो मेरे को लगती है इसके अंदर, जो मतलब कि मैं देखना चाहता था वो ये है, स्टेटस बार मतलब कि नोटिफिकेशन पैनल। तो ये चाहिए थी यार मेरे को, ये मतलब कि यार उससे बहुत सुंदर लग रहा है यार ब्लैक वाले से। और भी कुछ चीज़ें हैं, ये बैटरी में ये आ चुका हुआ है स्मार्ट पावर सेवर, और पावर सेविंग की तो पहले था लेकिन अलग तरह से आ चुका हुआ है। और दोस्तों वो तो जो मैंने आपको बताया पहले वो तो दिख जाती हैं चीज़ें, अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो नहीं दिख रही हमको, मतलब कि है लेकिन हमको पता नहीं लग रहा है इससे। तो क्या है, पहली चीज़ है सिंगल स्वाइप नोटिफिकेशन डिसमिस। तो ये क्या चीज़ है, हमको नोटिफिकेशन आती थी हमको ऊपर वैसे करना पड़ता था, बहुत पंगे वाली काम था, मतलब बहुत पंगा पड़ता था उसके लिए, आदत नहीं थी हमको और बहुत गंदा था वो। अब हम क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आएगी हम लेफ्ट से राइट को स्वाइप कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को वहाँ से हटा सकते हैं। दूसरा हेडसेट आइकन इन स्टेटस बार, यहाँ पे पहले स्टेटस बार का आइकन नहीं आता था जब हम यहाँ पे पहले हेडसेट मतलब कि एयरफोन लगाते थे उसका आइकन नहीं आता था, अब आएगा। अब यहाँ पे क्या डेवलपर ऑप्शन वाला, ये क्या है कि जब आप डेवलपर ऑप्शन को ऑन करते हो, असेसिबिलिटी को ऑन करते हो मतलब इन मोड्स को ऑन करते हो, तो पहले यहाँ पे येलो सा आ जाता था स्टेटस बार, तो अब नहीं आएगा। तो ये चीज़ मेरे को चाहिए थी और हर किसी को शायद से चाहिए थी। उसके अलावा स्मार्ट बार आ चुका हुआ है यहाँ पे, ये वाला ये आ चुका हुआ है। और उसके अलावा न्यू बूट एनिमेशन जो कि आपने देखी है मतलब कि अलग सा हो गया हुआ है, और लॉक स्क्रीन का इंटरफेस जो है वो आगे से अलग हो चुका है थोड़ा सा, और मटेरियल डिज़ाइन आइकन जो कि आप होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे थोड़े बहुत अलग हो चुकी है, यहाँ पे वैसे दिख तो नहीं रहे लेकिन हाँ एक ये चीज़ दोस्तों ये ऐसा हो चुका है रिसेंट पैनल जो है, जो कि मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। और उसके अलावा लॉन्ग प्रेस पावर बटन फॉर 5 सेकेंड टू लॉन्च गूगल असिस्टेंट, इसका हम 5 सेकेंड मतलब कि थोड़ा सा करेंगे तो गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, पावर बटन को हम करेंगे। और पहले और उसके अलावा गेम स्पेस आपको बताया, फंक्शन टू कीप गेम्स रनिंग विद स्क्रीन ऑफ, मतलब कि वो गेम स्पेस का ही एक है फीचर। और एल्बम के अंदर जाके मतलब कि आप वीडियो एडिटिंग के अंदर जाके फास्ट और स्लो मोशन की एडजस्टमेंट कर सकते हो। मेरे को ये लगता है कि इससे अच्छा इनको स्लो मोशन का मोड दे देना चाहिए, जो कि ये दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे। उसके अलावा वीडियो में जाके कुछ ऑडियो प्लेबैक का है सेटिंग्स, और टूल्स में टाइमर एड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है जैसे कि टाइमर ऐड दिया गया है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि कब आपका फ़ोन बंद हो मतलब कि बंद हो जाए, नेट बंद हो जाए शायद, ऐसी चीज़ें। रिकॉर्डर अलाउस टू ऐड मार्कर ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे रिकॉर्डर वाले ऐप से तो हम वहाँ पे मार्क लगा सकते हैं कि हमको यहाँ तक ही मतलब कि रिकॉर्डिंग चाहिए, इससे आगे हमको ये पार्ट नहीं चाहिए। उसके अलावा स्मार्ट स्कैन एडिट किया गया है, गूगल जिसको हम कहते हैं लेंस वो एडिट किए गए हैं टू ट्रांसलेट टेक्स्ट, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच इसमें आ चुका हुआ है। और कैमरे वाला ऐप देख लेते हैं कैसा है। अब तो ये कैमरा ऐप खोला और आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो चुका हुआ आगे से, पहले से सही है यार, पहले तो बहुत ही बेकार सा लगता था और हम ऐसे करके कर सकते हैं, पहले हमको मेरे ख्याल से दबाना पड़ता था उस पर। और स्टिकर पे जाके देखते हैं क्या नया है, कहाँ पे गया ये, तो स्टिकर मेरे को लग रहा है कि वही है सेम, और मेरे को लग नहीं रहा है कुछ नया है इसमें, सेम ही लग रहा है मेरे को सब कुछ, टाइम लैप्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ EIS स्टेबलाइजेशन वो तो अभी भी नहीं है, और मेरे को लग रहा है कैमरे में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है शायद से। उसके अलावा कुछ तो नया दिखा नहीं मेरे को, हाँ एक और चीज़ नहीं है जो मेरे को पता लगी है वो ये है कि तो ये जो थीम है मतलब थीम स्टोर है यहाँ पे हमको और थीम्स मिल चुके हुए हैं, ये देखो ये आप देख सकते हो कुछ नए थीम्स आए हैं जो कि मेरे को अच्छे लगे हैं, आपको भी लगेंगे। तो दोस्तों यही था ColorOS 5.2 बीटा वर्जन, कि ColorOS 5.2 आपको कैसा देखने को मिलता है और क्या क्या आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि लोगों को चाहिए, जैसे कि डेवलपर मोड में जो येलो कलर आता था जब हम उसको ऑन करते थे स्टेटस बार पे, अब वो उड़ चुका है, अब वो नहीं आता, एक ये चीज़। और बाकी गेम स्पेस चाहिए था लोगों को वो भी मिल चुका हुआ, और बाकी बीटा है तो कुछ ना कुछ मतलब कि बग्स तो हो गए ही मेरे को लगता है। और उसके अलावा दोस्तों बस क्या बताऊँ, लाइक करो इस वीडियो को ताकि आपके लिए मैं आगे और वीडियो लाता रहूँ इसके ऊपर। और जिन लोगों को नहीं पता है मतलब कि
जो मतलब कि जो लोग जानना चाहते हैं कि कलर ओएस 5.2 उनको कब मिलेगा, जिनको नहीं मिला हुआ है या फिर जिनको मिल भी गया हुआ स्टेबल वाला, तो उनको बताना चाहता हूँ कि 25 नवंबर के बाद सबको मिलने लगेगा कलर ओएस 5.2 बीटा वर्जन, मतलब बीटा नहीं स्टेबल वर्जन, तो सब यूज़ कर पाएंगे। तो जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे, और नोटिफिकेशन पाने के लिए मतलब कि नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरी वीडियोस की सब्सक्राइब करने के बाद साथ में आता है बेल बटन, उसको दबाओ ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस मेरा 1:30 बज चुका है, मेरे को जाना चाहिए गेम खेलने, सॉरी पढ़ने, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए उस वजह से मैं वीडियोस की कम अपलोड करता हूँ, मतलब कि कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी और बाय बाय।